टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कई एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसे आपके नेवी, डबल ए, SSR, एयरफोर्स वाई ग्रुप और रेलवे ग्रुप डी, RPF, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इससे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सभी वीडियो लेकर आते ही रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, रेल की पटरियों में रेलों के जोड़ों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। तो देखिए, ये जैसे रेल की पटरी, यहाँ पर एक पटरी है और दूसरी पटरी है यहाँ पर, इसमें आपको थोड़ा सा इस तरह का गैप देखने को मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? तो देखिए, इसका जो रीज़न है वो क्या है कि जैसे पटरियों में गर्मी के दिनों में पटरियों में प्रसार होता है, किसी भी चीज़ को यदि गर्म करते हैं तो उसका प्रसार होता है, गर्मियों में तापमान बढ़ने से प्रसार होता है। तो ये जगह है जो खाली है, ये उसमें सेट हो जाती है। यदि इस जगह को नहीं छोड़ा जाए तो पटरी इस तरह से मुड़ जाएंगी और एक्सीडेंट का हादसा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये है इसका रीज़न। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। उसके बाद देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में किसको मंदक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो जो मंदक के रूप में प्रयोग में लिए जाने वाला है वो आपका है ग्रेफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जो आपके लैंप होते हैं वो अधिकतर किसके बनाए जाते हैं? सोडियम के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। तो बी है वो आपका सही हो जाता है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो देखिए, डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। देखिए, इसका जो वो है इस तरह से कुछ होता है, आपने थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा हो तो यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन होता है, तो इस तरह से जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है। तो इस जो है पेंटोस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है, भोपाल कांड में निहित गैस थी। भोपाल कांड हुआ था आपका, वहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है वो, उसमें जो गैस ही थी कौन सी लीक हुई थी? तो वो थी मेथिल आइसोसाइनाइड गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का काम नहीं है? तो हमें बताना है कि गुर्दे का कौन सा काम नहीं। तो देखिए, रक्त का पीएच का नियमन होता है वो गुर्दे के कारण होता है, शरीर में उपापचय अपशिष्ट का वो गुर्दे के कारण होता है, लेकिन प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ये गुर्दे के द्वारा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? वो होता है आपका जाइलम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या है कि निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोनार का। सोनार होता है आपका साउंड साउंड नेविगेशन, जो आपका सोनार है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद देखिए, सार्स क्या है? तो सार्स है एक विषाणु जनित रोग, एक रोग है सार्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो वो गाइस हो जाता है आपका पारितारिका, यानी कि आपके आइरिस। नेक्स्ट है, यदि किसी कमरे को में रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें तो उसके तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फ्रिज को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो उसका तापमान है वो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। यदि आप कमरे में खुला छोड़ दें तो उसका तापमान है वो बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा तापमान हो जाएगा, ठंडक नहीं होगी। उसके बाद वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। उसके बाद है, कांसा निम्न में से किसका किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है आपकी टिन और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है वो विद्युत अपघट्य। उसके बाद है, निम्न में से
में से कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक आपका अमोनिया है, अमोनिया यौगिक हो जाता है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया आपके यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए, वातित जल में अंतर्वृष्ट होता है, यानी कि वातित जल है उसमें अंतर्वृष्ट में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, CO2। देखिए ये क्वेश्चन था, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है, तो ये गलत हो गया था। इसमें आपका ऑप्शन है वो ए, अम्ल आधारित अंतरक्रिया, यानी जब बैटरी होती है तो उसमें आप जानते हैं कि अम्ल आधारित अंतरक्रिया होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर है वो, आप सोच रहे होंगे कि वर्ष है तो वो समय का मात्रक होना चाहिए, नहीं, गलत। जो आपका प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है, जो इसकी वैल्यू कई बार पूछ ली जाती है, 9.46 × 10^12, ये इसकी दूरी होती है, इसका मान होता है। ओके, तो ये आपका एक दूरी का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए, पौधों में जल ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी रसारोहण। उसके बाद देखिए, काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है प्लेग को, जो कि चूहों के द्वारा फैलती है, यानी कि चूहे इस बीमारी के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो चूहों के द्वारा प्लेग फैलती है। उसके बाद देखिए, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी होती है, उसका विष होता है आपका, वो होता है आपका अम्लीय। तो देखिए, शहद की मक्खी होती है, उसमें आपका HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है, शहद की मक्खी में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद देखिए, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से, तो इसका हमें आंसर बताना है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, तो इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाता है सी, यानी कि हीलियम का घनत्व तो वायु से कम होता है। हीलियम काफी हल्की गैस होती है, आपको पता हो तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि है वो आपकी परास्रव्य होती है। जो तो ये थे गाइज आज के कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के, तो आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।